हेलो स्टूडेंट्स, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके पहले एक दो वीडियो डाला जा चुका है इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलमोस्ट आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चंस एंड स्लोली एंड स्ट्रेटली वी विल कवर रेस्ट मेनली फ्रॉम RS अग्रवाल। ठीक है, तो अब लेते हैं एक और क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल का मतलब एक्स और वाई दोनों बीमारी होगा इसमें, उसमें से दोनों को एक एक करके निकालना है। ठीक है, तो जितना इक्वेशन होगा उतना ही वेरिएबल भी होगा, तो इसीलिए इस बुक्स में आपको दो दो इक्वेशन मिलेंगे हर क्वेश्चन के। यहाँ टोटल क्वेश्चन है 50 तक। ठीक है, तो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे ज़्यादा, मतलब अगर एक टाइप का 4 क्वेश्चन है तो उसमें से एक या दो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 या 10 सपोज 13 ही 13 अनलक्की नंबर होता है। 13 के शब्द जो फियर होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रिस्के डेका फोबिया, ट्रिस्के डेका फोबिया। आई थिंक स्पेलिंग टफ है इसका बहुत। खैर, ये दो इक्वेशन है जो दिख रहा है। ठीक है, 0.4x 0.3y, तो पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सब में पॉइंट एक डिजिट के पहले है, तो किसी एक को सेम करना है। जैसे कि ये 0.3 है और ये 0.2 है, ये दोनों क्या हो सकते हैं? 6। अगर 6 हो गया तो दोनों लड़ने मरने के लिए तैयार है, मतलब प्लस माइनस अपने आप कट जाएगा। तो इसको किससे इंटू कर देना चाहिए? 2 से, इसको 3 से, तो दोनों क्या बन जाएगा? 6 6। तो ये तो गया, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं सभी को इंटू करना। तो जब 2 से इंटू करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 3.4, और ये भी 3 से इंटू होगा तो 3 into 8 24, 3 into 2 6, 3 into 7 21। पॉइंट को एक डिजिट के पहले ही रखेंगे। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? 0.8x 0.6y इक्वल टू 3.4 2.1x। कैमरा हिल रहा है ना, क्या करेंगे हम लोग? कैंसिल करेंगे। ठीक है, किसको? इसको। अगर ये प्लस और माइनस ऑटोमेटिक ही नहीं रहता, मीन्स पहले से नहीं दिया रहता है, तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि किसी तरह लड़वाना है ना। तो अब दोनों प्लस है तो भाई माइनस तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए अब मतलब माइनस करना पड़ेगा वो सब केस में जिसमें ये दोनों साइन सेम रहेगा, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 0.8 प्लस 2.1 कितना हो जाएगा? 2.9। ओके, या 5.8। अब एक्स निकाल रहे हैं, दिख रहा है एक्स इक्वल टू अब 5.8 by 2.9। क्लियर, 29 2 जा एक्स कितना आ गया? 2। अब एक्स की जगह 2 रखने से किसी भी एक इक्वेशन में वाई पता चल जाएगा, मीन्स 1 2 दोनों में से। तो रख देते हैं किस में? 1 में। पुटिंग एक्स इक्वल टू 2 एन 1,
क्या होगा? इक्वेशन दिख रहा है ना? सॉरी, अब ये 0.8 हो गया और ये 1.7 है, तो 0.8 जब माइनस होगा तो 17 में से मतलब पॉइंट को नेगलेक्ट नहीं करना है, लेकिन ओरल कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। इस तरह समझना कि 1.7 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.9। तो अब 0.9 जो है वो 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, मीन्स आंसर आएगा 0.3। देखते हैं, 8 इक्वल टू 0.9, वाई इक्वल टू, दोनों में पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट है तो उसको उड़ा सकते हैं हम लोग, क्योंकि बराबर 0 ही आएगा। इसको उठाएंगे तो ऊपर 1 0, इसको हटाएंगे तो भी 1 0, इसीलिए रहने देंगे 3 3 0। एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 3, ये आंसर आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोई जो थोड़ा अलग टाइप का है। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी क्वेश्चन रहे जो शुरुआत में हम लोग फॉर्म फॉर्मेट पढ़े थे उसी में ले जाके पटकते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर बना लेते हैं। ये जैसे कि क्वेश्चन है, ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या, 1/x 1/x इस टाइप का कभी देखे नहीं थे हम लोग, तो इसको एक असेंबली के भी कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल यू और वी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। यू किसको, ये 1/x है, हम लोग अभी तक किस तरह सॉल्व किए हैं, एक्स ऊपर रहता था, तो अगर 1/x को यू ले लें तो अब कैसे लेंगे, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं, लिख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को 1/x प्लस 6y, ठीक है, 3 × 1/x प्लस 4y। अगर हम इस चीज को मतलब 1/x जो कि प्रॉब्लम कर रहा है इसको अगर यू मान लेते हैं तो क्या होगा, पहले जैसे इक्वेशन रहता था ना, एक्स ऊपर वाई ऊपर और आराम से आ जाता था, उसी तरह अब यू आ जाएगा और वाई आ जाएगा जब हम इसको यू मान लेंगे। तो हो रहा है क्या यहाँ पे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग को 1/x से पीछा छुड़ाना है, तो आगे जाके और भी प्रॉब्लम्स आएंगे जैसे कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टाइप के, या 1/x-y कुछ भी रहेगा, तो मेरा एम यही रहेगा या हम लोग का एम यही रहेगा कि इसको ऊपर ले आना है ताकि सिंप्लीफाई हो सके। ओके, तो लेट 1/x यू, तो ये क्या बन जाएगा 5u, मतलब अगर सामने ही लिख देना तो ज़्यादा सेंस नहीं है, या तो चलो स्टेप वाइज ही लिख लेते हैं। अब ये वहाँ से क्या बन जाएंगे, 5u प्लस 6y इक्वल टू 13, ओके, और ये 3u प्लस 4y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 3 4। क्यों, ये ऊपर वाले तो सेम ही है लगभग सब कुछ, जैसे कि ये 1/x को सिर्फ अलग किए हम और अब 1/x के यू रखें, ये 5u ये 3u, बाकी सब तो वही है। तो यहाँ पे साइन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे लड़वाना है मीन्स माइनस करना है, तभी तो एक खत्म होगा। तो या तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, 12, किस हिसाब से असेंबली की बात करते हैं हम लोग, तो या तो इसको 12 बना दें और या तो इसको 15 बना दें। ठीक, चलो इसी को 12 बना देते हैं,
इंटू टू इंटू थ्री, अब ये क्या बन गया, 10u 12y 26, सबको इंटू करना है, ये नहीं कि जिसको काटना है उसी को किए बाकी को छोड़ दिए, ये नया इक्वेशन बन गया। हर बार हम लोग लिख देते हैं ताकि कुछ फर्क पता चले। और एक बात, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, जब माइनस करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज, माइनस ही तो साइन चेंज है। ओके, ये बचा यू, ये गया, ये बचा 5, तो यू क्या था भाई, 1/x, तो वो किसके बराबर है, ये 5। पहले यू अगर 5 के बराबर है तो 1/x भी 5 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, हम लोग यह मान के चले थे। तो क्वेश्चन में जो चीज़ हम लोग मानते हैं उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता है, दैट्स ओनली फॉर आवर सपोर्ट। ओके, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/5, क्यों, यहाँ 1/x है ना, तो इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो एक तरह समझ लीजिए कि 5/1 को भी 1/5 करेंगे, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। अब एक्स की जगह 1/5 पुट कर देते हैं, तो एक्स की जगह 1/5 पुट कर देते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा, ऐसे गया 1/5, तो यहाँ जो 1/5 है क्या होगा, 1/5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर कैसे जाता है ये समझ में आना चाहिए, ये 1 डिवाइड है ना, तो इंटू करेंगे तो क्या, इसे यहाँ देखते दिखा देते हैं, मतलब 1 डिवाइड 1/5 है, ये 1 इंटू करेंगे ये 5/1 हो जाएगा, इसीलिए जो चीज़ नीचे रहता है वो सीधे ऊपर है। ओके, और जो चीज़ छज्जा से चिपका हुआ रहेगा मीन्स मेन डिवाइड से, वो चीज़ वहीं पे रहेगा, तो जो नीचे रहता है वो सीधे ऊपर चला जाता है। ओके, 5 × 5 + 6y = 30, तो ये कितना आ जाएगा, 25, 25 उधर जाके माइनस होगा 13 से, यहीं पे लिख दे रहे हैं ताकि पेज पलटने से कनेक्शन ना टूट जाए सब से। तो 6y = 13 − 25, समझ में, यहाँ पे 25 होगा और वो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, नाउ 6y −2, ओके, −12, तो अच्छा हम लोग यहाँ पे 6 और 12 को काट सकते हैं सीधे सीधे, पता ही होगा सबको, क्योंकि 6 अगर यहाँ पे इंटू कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। ओके, y = −12/6, y कितना आएगा, −2। सो यहाँ तक आप लोग सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डालते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन भी सैंपल्स या एक और देखेंगे। एक और है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वही xy की तरह, बस नया क्या है xy, तो यहाँ पे 6 और 9 को क्या बना सकते हैं हम लोग, दोनों को 30 बना सकते, नहीं 30 नहीं सॉरी 18 बना सकते हैं, लेकिन उससे यहाँ ज़्यादा आसान काम है, 4 को 8 बना देंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तो 4 को किससे इंटू कर देते हैं, 2 से। ओके, तो ये बना 8x + 12y = 6xy, क्योंकि सिर्फ इसी में इंटू किए हम लोग, नीचे वाला एज यूजल उतर जाएगा, तो ये बना इक्वेशन 3, लेकिन नीचे वाला क्या रहेगा, 2, करना क्या भाई, एक साइन है तो लड़वाना है, मतलब माइनस करना है,
कर देंगे माइनस। ये कितना बचा? 3y। ये कितना बचेगा? 6 में से 5 गया तो 1xy। ओके, अब y और y कट जाएगा, y और y कटने से x क्या आ जाएगा? 3। सिंपल। अब x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे अगर इसमें, देखिए ट्राई करेंगे कि ओरल जहां तक हो सके। 3 से इंटू करेंगे तो 4 3 12। ओके, ये 12 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 9y। तो 6y उधर जाएगा, तो 9y माइनस 6y 3y, और इधर बच जाएगा 12। ओके, तो इधर 3y आ जाएगा और इधर 12 आ जाएगा, तो उसे 4 आ जाएगा। खैर देखते हैं, ओरली में कुछ देर तक दिमाग ठीक काम करता है, लेकिन समटाइम्स आफ्टर मतलब आफ्टर समटाइम यू लूज द ट्रैक। 4 इंटू 3 6y 3 इंटू 3y। यहाँ पे क्या किया, एक्स की जगह 3 रखे, ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह 3 रखे, ये 12 और ये 9y। थ्री वाई 6y उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3y। अच्छा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 6y उधर ले आके माइनस करेंगे तो ये 3y, प्लस है इसीलिए उधर जाके माइनस होगा। 3 4 4 = y हो गया। अब दोनों वैल्यू निकल लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस टोटल आपको मिलेंगे यहाँ तक 25 26 तक, ठीक है। तो 25 26 तक हो गया, उसके बाद आगे 26 तक आप बनाइए, नेक्स्ट वी विल सॉल्व, ठीक है। हालांकि वो भी थोड़ा आसानी है, 27 भी जो दिख रहा है, चलिए एक बना ही देते हैं, शायद उससे आसान हो जाए कुछ। यहाँ पे क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना 5 बाई x प्लस y, और ये x माइनस y, तो दोनों में एक चीज सेम है कि ये दोनों हूबहू है। तो लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम तो होता नहीं है जनरली सॉल्व हम लोग से। तो x प्लस वाई क्या है यहाँ पे, ये है 1 बाई x प्लस वाई, और ये क्या है 1 बाई x प्लस वाई, ये भी 1 बाई x माइनस वाई। तो 1 बाई x प्लस वाई को u ले लेते हैं, 1 बाई x माइनस वाई को v ले लेते हैं, तो उसे क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये बन जाएगा 5u, ये बन जाएगा 2v, ये बन जाएगा 15u 7v। देखा, तो u क्या लिए हम लोग, अच्छा लिख दे रहे हैं सारे 1 बाई x प्लस वाई, और v क्या लिए 1 बाई x माइनस वाई। मतलब जो नीचे वाला चीज था 1 बाई x प्लस वाई, इसको हटा कर पूरा क्या रख दिया गया, u। इसीलिए यहाँ x प्लस वाई की जगह क्या दिख रहा है, यह x प्लस वाई नहीं, यह 1 बाई x प्लस वाई, ठीक है। तो उसके जगह क्या दिख रहा है, u, और यहाँ 1 बाई x माइनस वाई को हटा के v रख दिया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, 1 बाई x को हटा के u रखे हैं, बस वही तरीका है, देख लो इसको ना। अच्छा, इसको करेंगे 5 15, सबसे आसान यही रहेगा, 5 को 15 बना देते हैं, तो इसको 3 से इंटू कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 4, इसको किससे इंटू कर देना, 3 से, ठीक है। सी क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इक्वेशन दिख रहा था सिंपल 5u और ये 2v वाला, वो चेंज हुआ, क्या उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर, ये बन जाएगा। तो अब इसको माइनस कर देंगे, ये बचा माइनस v और ये बचा माइनस 13, क्लियर।
तो यह बचा बताएगा 6 माइनस 7 तो -1, -3, -10, इसका साइन चेंज हो जाता है। एक बार जब माइनस रह जाता है तो उसका अब साइन ही चेंज हो गया। ठीक है, जिस तरह एक बार लड़की ससुराल चली जाए तो फिर उसका घर ही बदल जाता है। और वैसे मेहनती लड़की लोग खुद भी अपने घर में भी रह सकती है कमा के, आई मीन क्या बोलते हैं उसको, अरे अपने पैरों पे खड़ा होना। तो आजकल तो खैर वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, ससुराल मायके वाला अगर कोई तरक्की कर जाता है तो कहीं बाहर जाके वो जॉब कर सकता है, अपने पैरों पे खड़ा सकता है। खैर मतलब आई एम नॉट जेंडर जेंडर स्पेसिफिक। ओके, तो -3 = -13, तो यहाँ v = 13 आ गया। तो v तो 13 आ गया, लेकिन v था x - y, मतलब v = क्या था, 1/(x-y)। क्लियर? तो अगर हम दोनों को बराबर करें x-y क्या आ जाएगा, 1/13। x-y = 1/13। ठीक है, नाउ v आ गया, तो उसको रख के क्या करेंगे हम लोग, u निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट मतलब हटाएंगे, आंसर हटा दें। और v की जगह अगर 13 रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में तो u आ जाएगा, जैसे कि इक्वेशन 3 में v = 13 इन इक्वेशन 3। और एक u + 2v, मतलब कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं जो हम लोग पहले बनाया है जिसमें u और v जुड़ा हुआ है, तो उसमें v रख देने से u आ जाएगा। तो v की जगह क्या ले देंगे, 13, और यहाँ 5u है -1, 5u = -1। अच्छा इस तरह रखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो। ये +26 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -26। एक्चुअली को लगे राधा भी बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, क्वेश्चन में माइनस है। तो खैर इस पे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ही रहेगा। प्रॉब्लम क्या हुआ, ये माइनस, तो यहाँ -6 और -7 दोनों मिला के क्या हो गए, -13। और 13 13 कट के क्या बने, 1। रियली सॉरी, तो x-y क्या आया, 1। तो x-y 1 आया, तो v भी क्या है, 1। तो यहाँ v की जगह क्या रखना चाहिए था हमको, सिर्फ 1, सॉरी तो पुटिंग v = 1, iu + 2v = -1। कोई और गलती तो नहीं हो रहा है, हाँ फिर गलती हुआ क्योंकि ये 5u - 2v होगा, तो ये -2v। -2 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, +2। अब क्या बचा, 5u = +1। u = 1/5, और u है क्या, 1/(x+y), तो x+y क्या आ गया, 5। ये तो क्लियर हो रहा है ना, 7 x+y इतना आया, और x-y क्या आया था, 1। ये इक्वेशन 6 है यहाँ से, मतलब ये जो कहाँ दिख रहा है, ये 6, यस, इसको हम लोग यहाँ ला रहे हैं 6 से x-y, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, 2x कितना आ गया, 6, 3 का, तो x = 3। इस तरह लिखेंगे, समझ में आ रहा है, x = 3, यहाँ 2, इसको 3 टाइम्स में काट देगा तो x 3 आ जाएगा। अब x तो यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो उसमें क्या जोड़ दें कि 5 आ जाए, सिंपल 2, तो वो ले आइएगा आप लोग,
putting x equal to 3 in 7. कुछ कुछ हो रहेगा देखा तो सी एक्स इक्वल टू 3 इन 7 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 3 प्लस y इक्वल टू 5. ओके तो y इक्वल टू 2 तो x आया 3 और y आया 2. ओके तो इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन चलेगा आपका लगभग देखिए 31 तक. ओके और एक होमवर्क टाइप का होमवर्क देना चाहेंगे 32 के लिए. इसमें जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना कि कोएफिशिएंट 71 है और ये 71 है और ये 37 है ये 37 है, मींस एक्स का जो क्वेश्चन है यहाँ वाई का है, तो इसमें क्या करेंगे एक बार दोनों को जोड़ेंगे. ठीक है तो दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या आएगा. 71 37 108 एक्स, ये क्या आएगा 108 वाई. इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा जोड़िए आई थिंक 200 200 400 80 50 130 और 73 10, तो 140 और 400 540 आ जाएगा. तो इधर जोड़ के आएगा 540, इधर आएगा 108. तो 108 उसको 5 टाइम्स में कट कर देगा तो एक नया इक्वेशन कब बनेगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे, और फिर एक नया इक्वेशन कब बनेगा जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब सेकंड को फर्स्ट से, तब वो जो दो इक्वेशन आएगा ना कैसे एक बार दोनों को जोड़ के और एक बार एक दूसरे को माइनस करके, चाहे किसी को किससे माइनस करिए, फिर उन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो ट्राई दिस एट होम एंड नेक्स्ट आई विल चेक, मीन आई विल चेक मीन्स आगे पढ़ाएं. सो सी यू नेक्स्ट वीडियो.